हेलो एंड वेलकम इन माय ब्यूटीफुल किचन। और मैं हूं आपकी शेफ तरुणा बिरला। आज हम बना रहे हैं मैंगो फ्रूटी। फ्रूटी बच्चों की बहुत ही फेवरेट होती है, बहुत ही पसंदीदा होती है, और बिना केमिकल के हम इसको घर पे बनाइए। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि फ्रूटी कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें लेना है यहाँ मैंगो। मैंगो के लिए मैंने 2 मैंगो लिए हैं पके हुए और अच्छे से, जिनका कलर जो होता है ऑरेंजिश, वो मैंगो लिए हैं। और एक कच्ची कैरी ली है, छोटी साइज की कच्ची कैरी है। तो यहाँ पे 2 बड़े आम हैं और एक छोटी कैरी है। इनको बारीक बारीक पीसेस में चॉप कर लिया और मिक्सर के एक ग्लास में हम इसको डालेंगे, क्योंकि हमने इसको ग्राइंड करना है। और इसी में हम डाल देंगे हमारी कच्ची कैरी जो हमने छील करके चॉप करके रखी है। और इसी में हम डालेंगे अप्रोक्स 3/4 कप शुगर। जो आम है मेरे बहुत अच्छे से मीठे हैं, इसीलिए 3/4 कप डाला है, लेकिन अगर आपका आम खट्टा है तो आप 1 कप तक शक्कर ले सकते हो। और अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप जितना पानी और इसको बहुत ही फाइन पेस्ट हम इसका करेंगे, एकदम स्मूथ। एकदम स्मूथ पेस्ट इसका रेडी है। और अब हम इसको ले लेंगे एक पैन में। और अब हमें जो है इसको अच्छे से पका लेना है, बहुत अच्छा, ताकि जो है हम इसको प्रिजर्व करके रख सकें और हमारा जो ये पल्प है वो खराब ना हो। बीच बीच में इसको चलाते हुए जाना है आपको, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। 5 से 7 मिनट जो है इसको पकते हुए हो गया है और ये बहुत ही शाइनी सा हो गया है। और साइड से अगर आप देखते हैं तो साइड्स में एकदम थोड़ा शक्कर जैसा कुछ जमने लग गया है, इस तरह से जो है आप देख सकते हैं साइड्स। और अब हम क्या करेंगे, जैसे ही गैस ऑफ किया हम इसमें डाल देंगे अप्रोक्स 1 TSP जितना वाइट विनेगर। विनेगर डालने से जो है आपका ये पल्प ख़राब नहीं होगा। आप इसको 25 दिन तक इसी तरह से स्टोर करके रख सकते हो, अप्रोक्स 20-25 दिन, लेकिन फ्रिज में रखेंगे अच्छे से, प्रॉपर स्टोरिंग की है तो आप 1 महीना भी इसको स्टोर कर सकते हो। जब भी आपने बनाना है और इसमें सिर्फ पानी डालना है और इसको बना के आप फ्रूटी की तरह इन्जॉय कर सकते हो। तो अभी मैं इसको मिक्स करूँगी जो हमने वाइट विनेगर डाला है उसको। अभी हम क्या करेंगे, हमने जो मिक्सचर बनाया है इसको हम छान लेंगे। अभी इस मिक्सचर को आपको अच्छे से ठंडा होने देना है और ठंडा होने के बाद जो है आप इसमें पानी डाल के इन्जॉय कर सकते हैं। और स्टोर करना है तो आपने इसी स्टेज पे ठंडा करके और एयर टाइट कंटेनर या बॉटल में डाल के आपको फ्रिज कर देना है। लेकिन हम इसको अभी ही बना रहे हैं तो अभी मैं इसमें डालूँगी ढेर सारा आइस। और उसमें हम डाल देंगे अप्रोक्स 1.25 से 1 लीटर तक पानी। अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट जैसी जो फ्रूटी है वो हमारी रेडी है। ग्लास में डाल के इसको सर्व करें और एंजॉय करें होममेड फ्रूटी का।